Hey everyone, hope you have an amazing day. This is CSP and you are watching Weekend Zone. Guys, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं डोमिनार के अंदर HJG के फॉग लैम्प्स। तो कौन से फॉग लैम्प्स हैं मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फॉग लैम्प्स है इसको हम लोग को इंस्टॉल करना है हमारे डोमिनार के अंदर। तो बेसिकली एक रफ आपको बता देता हूँ कि क्या है फॉग लैम्प्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 12 वॉट की है और 60 वॉट्स का जो है इसका पावर आउटपुट है। तो बहुत ही बढ़िया इसका जो थ्रो है वो रहने वाला है। इसके साथ में मैंने क्या क्या लिया है, तो ये दो फॉग लैम्प्स है बड़े वाले और ये माउंटिंग्स है HJG के और ये वायरिंग हार्नेस है। हालांकि ये वायरिंग हार्नेस जो है वो थोड़ी सी अलग है, तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। नीचे जाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं किस तरीके से इसका पावर रहेगा और वायरिंग किस तरीके से रहेगी। उसके बाद में मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से एक वायरिंग कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। तो आइए चलिए, अभी मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट नीचे। यहाँ से अपने को पावर देना है ये बैटरी में से। अभी देखते हैं किस तरीके से करना है। वायरिंग हार्नेस पहले लेके आता हूँ। अच्छी खासी बड़ी वायरिंग हार्नेस है। तो यहाँ पे फ्यूज़ भी दिया हुआ है, तो जिससे अपनी जो बाइक का वायरिंग है उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और ये दो रिले है। अब कनेक्शन ऐसा करना है कि ये रिले निकालेंगे तो जो लाइट्स है वो बंद हो जाएगी और वापस लगाएंगे तो चलेगा, जिससे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो पहले रिले उड़ेगा और हमारी लाइट और वायरिंग पूरी सेफ रहेगी। तो ये दो रिले की जो दो वायर्स जा रही है वो आएगी लाइट्स के अंदर। ये जो है आई थिंक स्विच पे देने वाली वायर है। ये रही हमारी दूसरी बाइक, यहाँ पे खड़ी है। इसमें भी जल्द ही सेम फॉग लैम्प्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे, लेकिन फिलहाल डोमिनार में हम लोग देख लेते हैं। अभी ध्यान से वायरिंग कर दिया है, कोई भी अर्थिंग को टच ना करे इस तरीके से मैंने किया हुआ है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये है ग्रीन, ये अर्थिंग है और ये पावर है। तो अभी इसको भी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। ट्राई किया बट वायरिंग हार्नेस में चल नहीं रहा है, तो लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोग ने जब चेक किया था तो हार्नेस चलनी चाहिए थी। अभी देखते हैं क्या करना है। फाइनली सो गाइस, फाइनली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अब समझ में आ गया है किस तरीके से वायरिंग करना है। ये जो है ये पावर का वायरिंग है, तो इसको स्विच से देना पड़ेगा, मतलब कि जो हम की ऑन ऑफ करते हैं वहाँ से उसको देना पड़ेगा और उसके बाद में ही लाइट्स जो है वो चालू होगी। तो ये जो है इसके बिगर, ये देखिए मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये चालू नहीं हो रहा है। और अभी ये जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली को मैं जैसे ही इसको यहाँ पे टच करूँगा, अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ से बटन जो है वो ऑफ़ करके रखा है, तो इसको मैं पहले एक बार ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करने के बाद में अब ये जो ब्लू है मैं इसको अगर यहाँ पे लगाऊँगा तो ये देखिए जो दो रिले है वो चालू हो जाएंगे। ये देखिए दो रिले चालू हो गए। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली लगाता हूँ इसको यहाँ पर, तो लाइट्स चालू नहीं हो रही है। तो ये दोनों को मैं साथ में अगर पावर दूँगा, एक मिनट, ये देखिए लाइट्स चालू हो गई। और जैसे ही मैं इसको निकालूंगा बंद हो गई। तो बस
अभी पहले फटाफट से वायरिंग कर लेता हूँ, अभी वायरिंग मेरे को छुपानी पड़ेगी और उसके बाद में मैं इसका जो कनेक्शन है यहाँ से स्विच में से दे दूँगा, तो इजीली फिर जैसे ही मैं जब बाइक को ऑन रखूँगा तो ही मेरा जो ये फॉग लैम्प है वो चालू रहेगा। तो अभी पहले मैं वायरिंग कर लेता हूँ, देख लेता हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि इसको छुपाना है बस और कुछ नहीं है, तो अच्छे से इसको छुपा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पूरा पैक कर लिया है, अभी इसका जो टैंक कवर है वो भी रिमूव कर दिया और यहाँ से हेड को भी रिमूव कर दिया है, और अभी मैं यहाँ से इसको ये की पे पावर देने वाला हूँ। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया है, ये जो केबल है वो, ये जो है एक इसको जाएगा यहाँ पे पीछे बैटरी के अंदर, और एक को मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगा दिया है। वैसे तो मैंने पहले ही चालू करके देख लिया था, फिर भी यहाँ पे केबल प्रॉपर तरीके से अटैच हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए वापस से मैं एक बार ट्राई करके देखूँगा। अभी फटाफट से पहले बैटरी के साथ मैं कनेक्शन करता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ लाइट चालू हो रही है कि नहीं, फिर उसके बाद में पूरा अच्छे तरीके से पैक करके रात को एक बार आपको इसका जो थ्रो है लाइट का वो आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा। सो गाइस, फाइनली जो वायरिंग है वो डन हो गई है, ये रहा मेन पावर वाला और ये एक स्विच जो मुझे लगाना है, तो ये स्विच में यहाँ से ये येलो वाली केबल है और ब्लू वाली है उसमें दिया हुआ है। ये जो है ये हमारा यहाँ से मैंने वायर जो है ये देखिए यहाँ से इस तरीके से लिया हुआ है और इसको यहाँ पे जॉइंट मार दिया है, और बाकी मेन ये बैटरी का पावर यहाँ से दिया हुआ है, अर्थिंग और पावर। अब यहाँ से मैं अपना जो स्विच है उसको स्टार्ट करता हूँ, और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसे यू रेडी हो चुका है। अभी इसको मुझे जो स्टार्ट करना है तो सिर्फ ये जो बटन है इसको मैं ऑन करूँगा तो ये लाइट चालू हो जाएगी, ये देखिए। इसको स्विच को बंद कर रहा हूँ, बंद चालू रख के अभी मैं इसका पावर कट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। और जब मैं ये बटन स्विच बंद कर दूँगा ये देखिए लाइट बंद हो गई, ये ऑन पे है। वापस से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये जो है इसको चालू ही रखा है और इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो लाइट चालू हो जाएगी, देखिए। अब यहाँ से मैं स्विच से इसको बंद कर दूँगा। सो फाइनली वायरिंग तो डन हो चुका है, अभी इसको जो है अच्छे से पैक कर लेता हूँ, फिर रात को आपको इसका जो प्रॉपर थ्रो है दोनों लाइट्स का वो आपको बताऊँगा। सो ये गाइस, जो फॉग लैम्प्स है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, हालांकि थोड़े से क्रॉस है लेकिन इसका थ्रो बहुत ही परफेक्ट आएगा। अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ, बाद में अंधेरे में भी दिखाऊँगा कैसा दिखता है। नॉर्मल थ्रो है, सेम अंधेरे में भी आपको दिखाऊंगा। मेरा बटन मैंने अभी तक फिट नहीं किया है, बटन मैं बाद में फिट करूंगा यहाँ पे, तो अभी तो छुपा के रखूंगा बटन फिलहाल। तो ये चालू कर दिया है, फर्क तो अभी आपको पता चल रहा है ऐसे ही। अभी आपको रात को दिखाता हूँ कैसा लगता है। सो गाइस, अभी अंधेरा हो चुका है और ये जगह ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग गया कि जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा हो, तो अभी मैं यहाँ पे एक बार आपको बाइक चालू करके नॉर्मल जो बाइक की लाइट है वो दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। लेकिन आप आजू बाजू देख लो, बहुत ही कम लाइट है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं बाइक चालू करता हूँ अपनी, तो ये बाइक चालू करके कुछ इस तरीके का नज़र आएगा आप लोगों को। देखिए कितना एरिया कवर कर रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं जो अपनी फॉग लाइट है जो इंस्टॉल किया हुआ है इसको मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। फॉग लाइट चालू करने के बाद में कुछ इस तरीके का एरिया कवर कर रहा है,
बहुत दूर तक जा रहा है थ्रो, अच्छा खासा रेंज मिल रहा है। सो गाइस, यही था आज के वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग को हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमारे इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर।